आप व्रत में हर तरह का अलग अलग डिश बना के जरूर खाएंगे, पर ये कुछ अलग ही है। इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये है व्रत में खाने वाला मोमोज। जी हाँ, हमें अगर कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो मोमोज आप बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि व्रत में अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, पर ये मोमोज जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी के साथ हेल्दी भी होने वाला है। इसके लिए आपको लेना अपराजिता का फूल। अपराजिता का फूल में जो होता है थोड़ा कलर होता है, उससे जो है हम साबुदाना भिंगाएंगे। साबुदाना से ये मोमोज बनता है। इसे बनाना कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये पैकेट वाला साबुदाना आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक कप साबुदाना ले रहे हैं। इसे बनाने के लिए आप साबुदाना का क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक कप साबुदाना में आपका 10 से 12 मोमोज बन के रेडी हो जाता है, मीडियम साइज का। तो यहाँ पे एक कप साबुदाना हम ले लेंगे और उसके बाद पानी को अच्छे से उबलने देंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए, ताकि हमें वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। और आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देकर मेरा वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए हमारा जो साबुदाना है उसमें पानी डाल दिए। इसको पहले 1 से 2 पानी अच्छे से धो लेंगे, साफ कर लेंगे, ताकि इसका जितना भी गंदगी है ना वो बाहर निकल जाए। तो आपको इस तरह से हाथ को मैश करते हुए 1 से 2 पानी तक अच्छे से इसको धो लेना है। धोने के बाद सारा पानी जो हम निकाल देंगे, और उसके बाद जो ये अपराजिता का फूल का जो पानी हम तैयार किए ना, जिसका आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, तो ये फूल का जो पानी है ना, इसमें हम साबुदाना को भिंगाएंगे। इससे ये होगा कि साबुदाना में एक बहुत ही प्यारा सा नेचुरल कलर आएगा। जो आपको अगर अपराजिता का पौधा नहीं मिलता है तो आप इसके जगह कुछ भी मत डालिए, व्हाइट साबुदाना से ही ये बनाइए मोमोज, क्योंकि व्रत में कोई कलर नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए हम अपराजिता के फूल से इसे बनाए हुए हैं। इसे 1 घंटे के लिए भींगने दीजिए। 1 घंटे के बाद जब बहुत ही अच्छे से ये भींग जाएगा तो इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे। तो एक छन्नी में इसका सारा पानी आप निकाल लीजिए, और सारा पानी निकालने के बाद इसको आपको जो है हाथों से मैश करना है। हाथों से मैश करके इसको एक आटा का डो बना लेना है, जैसे हम लोग मोमोज बनाने के लिए आटा का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखिए इसे सारा पानी हम निकाल दिए हैं। निकालने के बाद यहाँ पे हम पनीर को भी पहले बना लेते हैं, इसका फिलिंग जो अंदर भरेंगे। इसके लिए हम 150 ग्राम पनीर लिए हैं। इसमें डालेंगे हरी मिर्च फ्रेश कटा हुआ, और थोड़ा सा अदरक, और आपको डालना है सेंधा नमक, क्योंकि अक्सर व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे तो इसमें कुछ और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर कूटा हुआ, और सबको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। आप धनिया और अदरक भी डाल सकते हैं अगर व्रत में खाते हैं तो। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल आटा की तरह हमारा जो है रेडी हो गया है साबुदाना, और इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, पनीर का जो है ना पहले ही छोटा छोटा बॉल बना के रख लीजिएगा तो ईजी हो जाएगा इसे बनाना। उसके बाद हाथ पे घी या आप कोई तेल लगा लीजिए जो अगर व्रत में खाते हैं तो, पर कोशिश करिए कि व्रत में आप घी ही खाइए। तो हाथों को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा लोई लेंगे और उसको चपटा करके बीच में जो है पनीर की फिलिंग को भर देंगे, और अच्छे से उसके मुंह को सील कर देंगे, ताकि जब इसको हम स्टीम करें ना तो ये फटे नहीं स्टीम होते समय। कैसे हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। छोटा बड़ा, सबसे छोटा ये आप मीडियम साइज का अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहते हैं। बस जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ना बिल्कुल उस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए पनीर को ऐसे थोड़ा सा लेंगे हाथ में, इसको इस तरह से गोल कर लेंगे, और बीच में इसको सेंटर में आपको रखना है, और इस तरह से प्रेस करते हुए इसके मुंह को बिल्कुल सील कर देना है, और बिल्कुल मोमोज का शेप दे देना है। ये 100% मोमो का शेप इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये साबुदाना का है ना, थोड़ा सा ये चिपचिपा होता है। इसी तरीके से सारे बॉल को हम बना के रेडी कर लेंगे, और ये जो है ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और एक बार आप इसे खाते हैं तो आपको दिन भर भूख भी नहीं लगता है, थकान भी बहुत कम होता है। तो आप ये मोमोज जो है साबुदाना का ना बनाकर जरूर ट्राई करिएगा व्रत में खाने के लिए, क्योंकि अक्सर इसे व्रत में खाया जाता है। और व्रत में जो लोग धनिया मिर्चा नहीं खाना चाहते, वो सिर्फ पनीर में सेंधा नमक मिक्स करके आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद इस तरह से थाली हम ले लिए जो स्टीम करने वाला होता है, और इस थाली में घी लगा लिए थोड़ा सा, ताकि ये चिपके नहीं, और सारा जो मोमोज है इसको हम इस पे रख देंगे। और एक भगोने में पहले से पानी गर्म होने के लिए हम रख दिए हैं, तो हमारा पानी जो बहुत ही अच्छे से उबल रहा है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर थाली को रख देंगे और इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। आपको हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसको स्टीम करना है। और ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। कैसे पता चलेगा कि अच्छे से स्टीम हुआ है कि नहीं, जब आप इसे हाथ से टच करिएगा ना तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। तब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे, अभी बहुत ज्यादा गर्म है। और इसे आप ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, केसर के दाने से, धागे से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम काजू और बादाम से डेकोरेट कर रहे हैं, आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी हमारा मोमोज बनके रेडी हुआ है। चलिए आपको टेस्ट करके भी हम बताते हैं, क्योंकि मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है।
ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ है। एक बाइट मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस इसे खाते ही जाए। तो ये देखिए, मेरे से तो भाई सब्र नहीं हो रहा है, फिर से हम इसका टेस्ट किए और बहुत ज्यादा टेस्टी और यम्मी बना हुआ है। चलिए इसको तोड़ के भी देख लेते हैं कि जो इसका अंदर का फीलिंग है वो किस तरीके का है और इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, अंदर तक पूरा मोमोज में जो है पनीर बहुत अच्छे से फिल हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।